गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नाउ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. केमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है आपकी कंपोजिशन, मैटर किस चीज़ का बना है, स्ट्रक्चर मैटर की क्या स्ट्रक्चर है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. केमिस्ट्री को हम और क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ वी कैन से केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर. ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ मैटर, चाहे कंपोजिशन की बात कर लो, स्ट्रक्चर की बात कर लो, या प्रॉपर्टीज की बात कर लो. नाउ व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम. मैटर क्या है आपका? कोई भी चीज़ जो क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइज करती है या जिसका क्या है, मास या वॉल्यूम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर. नाउ हाउ द एटम, सॉरी मैटर फॉर्म. मैटर इज फॉर्म बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैटर किस चीज़ का बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ ब्रांचेज ऑफ chemistry, there are mainly three branches of chemistry: organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. First is organic chemistry. This branch deals with the study of carbon compounds, especially hydrocarbons and their derivative. organic chemistry में हम किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड, स्पेशली जो आपके हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव है. ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स नॉट स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स है, साइनाइड्स है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपकी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. नेक्स्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस में हम क्या स्टडी करते हैं, जितने भी आपके नोन एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक को छोड़ के जितने भी आपके अदर कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, ऑल एलिमेंट्स प्लस इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो आपके ऑल नोन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है और उसके कंपाउंड्स है, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के, मीन्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट को छोड़ के, जितने भी आपके कंपाउंड है और एलिमेंट्स है, उनकी स्टडी हम करते हैं, सॉरी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, फिर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री. इन इट कंसर्न विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एट्सेट्रा ऑन द रिएक्शन. फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है, एंड किसी भी रिएक्शन पे टेम्परेचर का, प्रेशर का और लाइट का क्या क्या इफेक्ट है, वो सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. नाउ अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना. एनालिसिस हम टू टाइप से कर सकते हैं, या तो क्वांटिटी को देख के या क्वालिटी को देख के. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इंक्लूड द फिजिकल एंड केमिकल चेंज.
Now, biochemistry. The branch of chemistry deals with the chemical changes going on in the bodies of living organisms such as plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस या चेंज होता है उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. दिस ब्रांच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है जो भी आपके इंडस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं लार्ज अमाउंट में, उनके बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. वी कैन आल्सो से दैट द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री पर्पस, वी स्टडी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. जो भी आपकी केमिस्ट्री यूज हो रही है इंडस्ट्रियल पर्पस में, तो उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इट्स रिएक्शन. न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री है आपकी, इसमें हम स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, और उनकी रिएक्शन के बारे में कि क्या क्या रिएक्शन होती है. नेक्स्ट आपकी जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनकी स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं. लास्ट है आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री. इट इज द साइंस डील्स विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट दैट हैज़ डिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन बॉडी एंड अदर लिविंग सिस्टम. मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है, ये रिलेटेड है आपकी मेडिसिन. जो भी आपके ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं, और उनका क्या क्या इफेक्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी पे या कोई भी लिविंग सिस्टम पे, वो सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. देयर आर वेरियस इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट आपकी है केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड फूड्स. केमिस्ट्री आपकी प्रोवाइड कराती है केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, जो क्या करता है आपकी क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव हैज़ हेल्प टू कीप फूड मटेरियल्स फॉर द लॉन्गर पीरियड्स. प्रिजर्वेटिव को क्या है, फूड मटेरियल में डाला जाता है ताकि जो आपकी फूड मटेरियल्स है वो लंबे टाइम तक खराब ना हो, सेफ रहे. ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशन मोर सक्सेसफुल. अब आपका जो केमिस्ट्री की वजह से है डेवलप हुआ एनेस्थेटिक, जो आपकी मेडिसिन या इंजेक्शन जो भी दिया जाता है, तो उससे क्या है आपका सर्जिकल ऑपरेशन मोर सक्सेसफुल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री आल्सो गिवन अस वैरायटी ऑफ ड्रग्स सच एज. केमिस्ट्री क्या है, आपको वेरियस टाइप के ड्रग्स प्रोवाइड कराती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन इम्पॉर्टेंस जो आपके ड्रग्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट है आपका एनर्जीजेक्स टू रिलीव द पेन, ये एक टाइप की पेन किलर है. ठीक है, फिर एंटीपायरेटिक टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर. अगर आपको हाई फीवर हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर को उस टाइम लो करने के लिए आपको एंटीपायरेटिक दी जाती है. नेक्स्ट है आपकी ट्रैंक्यूलाइजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज. अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है या कोई मेंटल डिजीज है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्रैंक्यूलाइजर दी जाती है. नेक्स्ट है आपकी एंटी माइक्रोबल, जो आपकी एंटीमाइक्रोबल्स है टू क्योर द इन्फेक्शन. अगर किसी तरह का आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्योर करने के लिए आपको एंटीमाइक्रोबल दी जाती है. नेक्स्ट है आपकी एंटी मलेरियल्स टू ट्रीट द मलेरिया. अगर मलेरिया हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एंटी मलेरियल दी जाती है. नेक्स्ट है आपकी एंटीबायोटिक्स टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक्स दी जाती है अगर आपको किसी तरह का बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी आपको डिजीज हो जाती है तो उसके लिए उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये दी जाती है आपको एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इम्पॉर्टेंस है इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग सम लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल फॉर द कैंसर थेरेपी.
आपके पास एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स आता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, जो आपको कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका AZT, एजिडोथायमिडिन, ये दिया जाता है आपका एड्स का जो विक्टम होता है उसको दिया जाता है ये, ठीक है. नेक्स्ट है आपकी केमिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू इम्प्रूव अवर नेशनल इकोनॉमिक. अब हमारी जो नेशन में कई तरह की केमिकल इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर कर रही है फर्टिलाइजर, एसिड्स एंड सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा, जिससे क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हो रही है, ठीक है. केमिस्ट्री इज ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस. केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है जो भी हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रही है उनको समझने में आपकी हेल्प करती है. ड्यू टू द केमिकल प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स having the specific magnetic, electrical and optical properties. अब आपको क्या है chemistry principle के बारे में पता है तो अब हम नए नए जो आपके substance है design कर सकते हैं कोई भी material जिसकी क्या है specific magnetic, electrical या optical properties होगी, ठीक है. आज के lecture में हमने study किया डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.